हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। हम आज एएसबी इंजीनियरिंग के फैक्ट्री में आए हुए हैं, जहां पे मशीनें बनती हुई हम देखेंगे कि आखिर मशीनें बनती कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी मशीनें बन रही है आपके सामने में, और ये मशीनें बनाते हुए हमारे बहुत सारे वर्कर दिख रहे होंगे आपको कि जैसे ये देख रहे हैं आप वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये वेल्डिंग करते हुए मशीनों को आप जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से ये मशीनें बनती है। यहाँ पे ये मशीनें बहुत सारी मशीनें बन रही है आप जैसा कि देख रहे हो। ये देखो आप, जैसे कि यहाँ पे कटिंग का काम हो रहा है, बिल्कुल लोहे की जो कटिंग होती है जो मशीनों में लगती है, चैनल एंगल जो लगाई जाती है, वो सारे चीजों की कटिंग हो रही है जैसा कि आप देख रहे हो। तो इस तरह से मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी ये एएसबी इंजीनियरिंग की फैक्ट्री है, जहाँ पे आप ये सारी की सारी मशीनें बनते हुए आप देख रहे हो। यहाँ पे जो है ऑल इन वन हाइड्रोलिक पेपर प्लेट की मशीनें बन रही है, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरह से ये मशीनें बन रही है। बहुत सारी मशीनें हैं जो ऑलरेडी बन के मतलब रेडी के कगार पे है, यानी कि रेडी होने वाली है। और जो है यहाँ पे बहुत सारी, ये देखिए स्लीपर की मशीनें भी बन रही है, जैसा कि लगभग ये रेडी होने वाली है। इस तरह से जो भी मशीनें आपको चाहिए वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आप ले सकते हो डायरेक्टली। यानी कि अगर आपको अपना कोई कस्टमाइज मशीन भी बनाना हो तो भी एएसबी इंजीनियरिंग की तरफ से आपको ये मशीनें बन जाएंगी। ये आप देख रहे हैं जैसा कि कटिंग का भी काम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो है कटिंग का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे वेल्डिंग का भी काम हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से आपके सामने में ये दिख रही होंगी सारी की सारी चीजें, बिल्कुल देख रहे हैं जैसा कि इस तरह से ये काम हो रहा है। और ये काम जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है, यानी कि 100% अगर आपको मशीनें क्लियर चाहिए तो किसी भी फैक्ट्री की अपनी बनी हुई मशीनें अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो है बहुत ही बेहतर मशीनें बनी हुई है, देखिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा फैक्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो हम एक बाई एक आपको दिखाएंगे, जहां पे जो जो मशीनें बनती हैं वो सारी मशीनें हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी मशीन कहां पे बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से मशीनें यहां पे बनती हैं, और ये मशीनें अगर आप लेते हैं तो पूरे के पूरे संतुष्ट रहेंगे आप। यानी कि ये मशीनें अगर अपना कस्टमाइज बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ये अभी न पेंट हुआ है न डेंट हुआ है, हम आपको बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखा रहे हैं कि इस तरह से मशीनें बनाई जाती है। यानी कि आज जो हमने दिखाया आपको बिल्कुल बनती हुई मशीनें दिखाई कि इस तरह से मशीनें बनती हैं और कैसे किस कंपनी में कैसे बनाई जाती हैं। ये हमारा ऑल इन वन मशीन है, ये जो है आपको 8 वोल्ट की मशीन है, ये जो है डबल सिलेंडर की मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारी तरह की मशीनें यहाँ बनते हुए है अभी, जो अपने अंतिम मतलब कि लास्ट कगार पे है, जो लास्ट पेंटिंग का काम होता है, ये पेंटिंग का काम अभी आधा हो चुका है और वो भी होने वाला है लास्ट में, जो आपका क्लियर हो जाएगा माने फुल एंड फाइनल। तो कोई भी मशीन अगर आपको बनवानी है तो आप डायरेक्टली जो है हम फैक्ट्री में विजिट करें, एएसबी इंजीनियरिंग के फैक्ट्री में, और किसी भी तरह की कोई भी मशीन, स्लीपर की मशीन हो, पेपर प्लेट की मशीन हो, नोटबुक की मशीन हो, या अगरबत्ती की मशीन, माने कोई भी मशीन अगर आपको बनवानी है अपने सामने बैठ के आप बनवा सकते हैं। ऐसी सुविधा इंडिया में कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी जो ये कंपनी आपको दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक ये काम चल रहा है फैक्ट्री में, और 24 आवर फैक्ट्री में काम चलते रहता है। अभी रात के लगभग 10 बजने को जा रहे हैं, फिर भी यहाँ फैक्ट्री से जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी काम चल रहा है और उधर भी काम चल रहा है, मतलब हर जगह आपका काम चल रहा है। और इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी की भी नहीं होगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री, मशीनों की फैक्ट्री, मतलब
किस वे में हम बता रहे हैं आपको बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि पेपर प्लेट, अगरबत्ती, कपूर या इस लाइन की जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी की भी कंपनी की नहीं है, जितनी बड़ी फैक्ट्री इस कंपनी की है। तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें और डायरेक्टली मशीन लेने के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए और आइए ऑफिस में विजिट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।